हाय क्यूटी पाइज, वेलकम टू माय क्लास। तो आज का हमारा टॉपिक है मेज़रमेंट। ये चैप्टर आपको बहुत ही बड़ा लग रहा होगा, जिसमें है लेंथ, मास एंड कैपेसिटी। देखिएगा, मैं इन सबको कंबाइन करके आपको बता दूंगी और ये बहुत ही इन शॉर्ट वीडियो हो जाएगा। लोगों ने थ्री थ्री वीडियोज़ बनाई हैं, लेकिन मैं आपको बहुत ही सिंपल तरीके से बिना लर्निंग के और सारी यूनिट्स और सारे मेज़रमेंट्स बता दूंगी। तो ये आपको जानने के लिए कि ये कैसे होगा, इसके लिए आपको देखना पड़ेगा पूरा वीडियो। अगर आप पूरा वीडियो देखेंगे तो आपको ये चैप्टर बहुत ही आसान लगने वाला है। ओके, तो मेज़रमेंट क्या होता है? मेट्रिक सिस्टम। द थ्री बेसिक यूनिट्स यूज इन दिस सिस्टम ऑफ मेज़रमेंट आर लेंथ, मास, कैपेसिटी। देखिए, मेट्रिक सिस्टम में होती हैं तीन बेसिक यूनिट्स जो कि यूज़ होती हैं इस सिस्टम में मेज़रमेंट करने के लिए। जैसे कि हो गया लेंथ, मास एंड कैपेसिटी। लेंथ किसी चीज़ की लंबाई, हाइट वगैरह जानने के लिए, ठीक है। मास जाने की किसका वेट कितना ग्राम है, उसका भार जाने के लिए। कैपेसिटी यानी कि वॉल्यूम, जैसे लिक्विड फॉर्म में होता है वो। अब लेंथ की यूनिट जो होती है वो मीटर होती है, मास की यूनिट ग्राम में होती है, और कैपेसिटी जो होती है, वॉल्यूम जो होता है, वो उसकी यूनिट लीटर में होती है। ओके, आई होप आपको इतना समझ में आ गया। अब क्या होता है मेजर्स ऑफ दीज। अब आपने अपनी बुक्स में देखेंगे कि कितने बड़े बड़े, देखिए पिक में दिखाया मैंने कि इतने बड़े बड़े आपको लर्न करने पड़ेंगे, लेकिन मैं आपको इस तरीके से बताऊंगी कि आप एक लर्न करेंगे और आपको सब आ जाएंगे। मैंने अपने, जब मैं छोटी थी तो मैंने ऐसे याद कर रहा था, मिली सेंटी डेसी ग्राम मिलीग्राम। यहाँ पर ग्राम है, देखिए मीटर की यूनिट है, ये मीटर है लेंथ की यूनिट, ग्राम है मास की यूनिट, और लीटर है के लिए एल। तो मिली सेंटी डेसी ग्राम लीटर और मीटर डेका हेक्टो किलो। लेकिन मैंने याद करा कैसे, मिली सेंटी डेसी ग्राम डेका हेक्टो किलो। ग्राम लीटर और मीटर कब चेंज होंगे? जब आपको लेंथ में अगर चीज़ दी जाएगी तो लीटर हो जाए लेंथ में दी जाएगी तो मीटर, और ग्राम में, मास में दी जाएगी तो ग्राम, और कैपेसिटी में दी जाएगी तो लीटर हो जाएगी। अब इसको चेंज कैसे करेंगे, ठीक है, मैं आपको करके बताती हूँ। देखिए, अब हमें जैसे किलो है, मीटर में लगाना है, किलो मीटर हो जाएगा, इसकी यूनिट लगानी है। हेक्टो मीटर हो जाएगा, डेका मीटर हो गया। अब हमारे पास मीटर है तो यहाँ पे ओनली मीटर हो जाएगा, ठीक है, इसकी यूनिट। फिर डेसी मीटर हो गया, इसलिए सेंटी मीटर हो गया, मिली मीटर हो गया, बस यूनिट लगाना ही काम। इसी तरह हो जाएगा, मास में ग्राम है तो किलोग्राम, फिर हेक्टोग्राम, फिर होगा हमारा डेकाग्राम, फिर हमारा होगा मीटर है लेकिन यहाँ पे ग्राम है तो यहाँ पे ग्राम हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे डेसी ग्राम, सेंटी ग्राम और मिलीग्राम, ये डिपेंड करेगा कि आपको क्वेश्चन में मीटर में मिलेगा तो मीटर लिखेंगे और ग्राम में मिलेगा। यूनिट सेम, मतलब जो इसके मेजर्स हैं ये सेम ही रहेंगे। अब लीटर में आएगा तो किलो लीटर हो जाएगा, देखिए, ओके, और हेक्टो लीटर हो जाएगा, और यहाँ पे यूनिट ही लगेंगी सिर्फ, डेका लीटर हो जाएगा, ग्राम की जगह लीटर वॉल्यूम में दे रखा है, डेसी लीटर एंड सेंटी लीटर और मिली लीटर। मैं पहले से भी लिख सकती थी, अगर पहले से लिख देती तो शायद आपको इतने माइंड में सेट ना होता। देखिए, आपने क्या याद करना है, मिली सेंटी डेसी ग्राम, चाहे मीटर याद करें चाहे लीटर याद करें। मैंने ऐसे याद किया, मिली सेंटी डेसी ग्राम डेका हेक्टो किलो, मिली सेंटी डेसी ग्राम डेका हेक्टो किलो। तो इस तरह से आप क्या करेंगे, मिली सेंटी डेसी ग्राम डेका हेक्टो किलो आप पढ़ते रहेंगे तो आपको 4, 5, 6 बार या 10 बार में याद हो जाएगा। अब क्या होगा, अगर आपको जैसे दे रखा है, अब ये समझिए, मिली सेंटी डेसी ग्राम या लीटर या मीटर डेका हेक्टो किलो, जब इसके आगे जो यूनिट होगी वही यहाँ पे पढ़ेंगे,
ठीक है। अब बहुत से लोग कहते हैं आगे से पीछे जाएगा, ये पीछे से आएगा, आगे आएगा, ये ऊपर से नीचे जाएगा, नीचे से ऊपर जाएगा, तब मल्टीप्लाई करेंगे, डिवाइड करेंगे, कुछ नहीं। आप जनरल एक सिंपल सी चीज़ समझ लीजिए, सुनिए, ये मिली लीटर है तो ये क्या है, लोअर यूनिट हो गई, इसकी सबसे लोअर यूनिट है, देखिए सबसे नीचे है तो सबसे लोअर यूनिट हो गई। चलिए मैं आपको ऐसे ही बता देती हूँ, ये मिली लीटर है, सबसे लोअर यूनिट हो गई ना, ये लोअर यूनिट है, ठीक है। और ये जो किलो है ये क्या है, हायर यूनिट हो गई इसकी, ठीक है। अब ये बताइए आप सिंपल सा लॉजिक, लॉजिक वाली बात करते हैं कि जो ये लोअर यूनिट है, सॉरी कैमरा कैसे, ठीक है, अगर आपके पास लोअर यूनिट है और हायर यूनिट है, अब लोअर यूनिट को हायर यूनिट में चेंज करेंगे तो क्या होगा, जाहिर सी बात है डिवाइड ही होगा, ठीक है। और अगर हम हायर यूनिट से लोअर यूनिट में चेंज करेंगे तो क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। क्योंकि अगर आप कोई, मतलब आपको मैं अभी करके दिखाती हूँ, जैसे 1 किलोग्राम है, देखिए 1 किलोग्राम है, अब ये किस में मैंने निकालना है कि कितने ग्राम से, तो हम कैसे, 1 किलोग्राम यहाँ है, ठीक है, तो मैंने 1 किलोग्राम के लिए लिख लिया। उसके बाद कहाँ पे जाना, यहाँ पे 1, 2, 3, तो उतने बस जीरोज लगाने थे, 1, 2, 3, और ये हो गया ग्राम, क्योंकि यहाँ पे ग्राम है। अगर लीटर होता लीटर, हाँ मैं आपको बता सकती हूँ, सॉरी मैं ज़रा अपना कैमरा ठीक कर लूँ, सॉरी थोड़ा डिस्टर्बेंस हो गया, ओके आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा, ठीक है। अगर आपका किलोग्राम था, देखिए 1000 ग्राम हो गया, अगर यहाँ पर था 1 किलो लीटर, ठीक है, लीटर यूनिट में आया है तो हमारे क्या होता, 1000 लीटर, ओके। फिर इसी तरह से क्या होता, अब ग्राम हो गया, मीटर हो गया, 1 किलोमीटर हो जाता, तो हमारे क्या हो जाता है, यहाँ 1000 मीटर हो जाता। देखिए 1 ग्राम का बता रहे हैं, 1 ग्राम इज इक्वल टू होता 1 डिवाइडेड बाई 1000 kg, ठीक है, मैंने ऑलरेडी 1000 लिख दिया, सॉरी, तो ये हो गया, ठीक है, 1 ग्राम इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई 1000 kg हो जाएगा, ये है इसका वो। अगर 1000 मान ली 1000 होता, तो अब हम यहाँ पे 1000 लिखते हैं, ग्राम इज इक्वल टू क्या होता, तो 1000 डिवाइडेड बाई 1000 हो जाता, kg हो जाता, तो यहाँ पे क्या हो जाता, आंसर 1 kg हो जाता, ठीक है, 1000 ग्राम इक्वल टू 1 kg हो जाता है इसका आंसर, ओके। अब हम करते हैं अपनी एक्सरसाइजेस, और जब एक्सरसाइजेस करेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। चलिए मैं आपको बता रही हूँ, कन्वर्ट इनटू लोअर यूनिट, ओके। अब हम कैसे कन्वर्ट करेंगे देखते हैं, चलिए देखिए यहाँ पे देखिए 7 किलोमीटर इंटू मीटर, अब क्या है, हमें इंटू लोअर यूनिट, लोअर यूनिट में करेंगे तो हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमें पता है 1 किलोमीटर इज इक्वल टू होता है 1000 मीटर, जैसे कि अभी हमने निकाला, तो 7 किलोमीटर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 7 × 1000 मीटर यूनिट लगी रहेगी, तो इसीलिए यहाँ पर जाएगा 7000 मीटर इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह से 9 किलोमीटर और 205 मीटर होगा, जब तब क्या करेंगे, तो जैसे कि हमें पता है तो हम उसमें पहले लिख देंगे कि 1 किलोमीटर एज वी नो इज इक्वल टू होता है 1000 मीटर, मीटर में निकालना है, तो 9 किलोमीटर दे रखा है, तो यहाँ पे जैसे 9 किलोमीटर एंड 205 मीटर दे रखा है, तो क्या 9 किलोमीटर क्या हो, 9 × 1000, ये हमारे क्या होगा, मीटर में चेंज हो गया, और फिर क्या होगा, प्लस 205 मीटर हो जाएगा, ठीक है, तो 9 × 1000 हो जाएगा 9000 मीटर प्लस 205 मीटर हो जाएगा, ठीक है। फिर हम इसे ऐड करेंगे तो देखिए वंस प्लेस पे 5 आएगा, फिर उसके पास 0 से 0 ऐड हो जाएगा, फिर यहाँ पे 0 है तो 2 हो जाएगा, 9205 मीटर में इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, बहुत ही सिंपल से था। इसी तरह से हमारा होगा 65 kg 140, देखिए अभी हमने किलोमीटर में निकाला है, अब किलोग्राम में निकालेंगे, यूनिटी सिर्फ चेंज होंगी और कुछ नहीं होगा, तो क्या होगा 65 kg 140 ग्राम इंटू ग्राम्स में, तो अब हमें क्या करना है कि जैसे कि हम जानते हैं हमें फॉर्मूला लिखना पड़ेगा, 1 kg इज इक्वल टू
1000 ग्राम हो गया, ठीक है। तो क्या होगा, अब 65 केजी आप ऐसे भी लिख सकते हैं, 65 केजी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 65 इंटू 1000 ग्राम, तो विच इज इक्वल टू हो जाएगा 65000 ग्राम हो जाएगा। तो हमारा क्या होगा, 65 केजी और 145 ग्राम का क्या लिखेंगे, 6500 देखिए, 65 केजी का 6500 लिखते हैं, फिर प्लस 145 और दोनों की यूनिट सेम हो गए तो इसको ग्राम लिख लेंगे। तो हमारा ये क्या आ जाएगा, देखिए वंस के प्लेस पे 5 आएगा, सेकेंड में फिर 4 आएगा, यहाँ पे भी 0 है तो ऐड होगा, तो क्योंकि कुछ एडिशन के लिए है नहीं इसलिए डायरेक्ट लिख देते हैं 5 और 6 6 5 1 4 5 इसका ग्राम आंसर हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, कोई परेशानी नहीं हुई होगी। फिर है 12 लीटर, अब मैंने उसको लीटर में चेंज करा है, देखिए 12 लीटर, अब लीटर अभी तक किलोमीटर था, ग्राम हो गया, अभी लीटर हो गया। अब 12 लीटर है तो 1 लीटर या एल भी लिख सकते हैं, 1 लीटर इज इक्वल टू 1000 मिली लीटर, जैसे कि मैंने पीछे आपको बताया ऐसे ही निकालते हैं, ठीक है। अब 1 लीटर तो 12 लीटर के लिए क्या होगा, इज इक्वल टू 12 इंटू 1000 मिली लीटर, ओके। तो यहाँ पे को 12 इंटू 1000 इक्वल 12000 मिली लीटर हो जाएगा, ठीक है, ml हो जाएगा, यही इसका आंसर हो जाएगा। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा, बहुत ही सिंपल था। देखिए मीटर में था, मीटर में आंसर आएगा, ग्राम में था, ग्राम में आंसर आएगा, और मिली लीटर या लीटर में है जो भी उसी में आंसर आएगा। बस इसमें यही चेंज है जो यूनिट का ही चेंज है, बाकी सेम सारा प्रोसीजर है, ठीक है। इसी तरह हम करते हैं कन्वर्ट इनटू हायर यूनिट, ओके। अब हायर यूनिट का जैसे मैंने बताया था, अब हायर यूनिट में जाएंगे तो क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, कैसे करेंगे, चलिए हम आपको बताते हैं। अब 8000 मीटर इनटू किलोमीटर, तो वन सॉल्यूशन में पहले तो हम बताएंगे 1000 मीटर में क्या होते हैं, 1 किलोमीटर। अब आप पूछेंगे कैसे हो गया, चलिए मैं आपको एक बार रिवाइज करा देती हूँ। देखिए मैंने कहा था मिली, अरे मिली नहीं है, मीटर है, मिलीमीटर, मिली सेंटी डेसी मीटर है, ग्राम था ये या मीटर हो जाएगा, ठीक है, मिली सेंटी डेसी ग्राम या मीटर, डेका हेक्टो और किलो, ठीक है। अब हम क्या जा रहे हैं, हायर यूनिट, कन्वर्ट इनटू हायर यूनिट, तो हमारे पास क्या है, मीटर है, ये हमारी हायर यूनिट है, इसमें चेंज करना है। तो मीटर हमारे पास 1 है मान लीजिए, तो हमारे से 1 2 3, तो हमारा जो भी नंबर होगा उसे 1 2 3 यूनिट लगेंगे नहीं, उतने ही से डिवाइड हो जाएगा, डिवाइडेड बाय 1000 जाएंगे, क्योंकि हम हायर यूनिट की तरफ जा रहे हैं तो ये डिवाइड होगा, ठीक है। मैंने आपको बताया था कभी भी लोअर यूनिट से हायर यूनिट जाएंगे तो डिवाइड होगा, तो किससे होगा, 1000 से डिवाइड होगा, ठीक है। तो इसी तरह से ये है कि 1000 मीटर इज इक्वल टू 1 किलोमीटर, ये हो गया, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे देखिए कैसा होता है, 1 मीटर होता है 1/1000 हो जाता, या 1/1000 हो जाता। अब यहाँ पे 1000 मीटर है, ठीक है, 1 मीटर इज इक्वल टू 1/1000 मीटर, ठीक है। तो 1 मीटर इज इक्वल टू क्या हो गया, मैं आपको समझाने, तो हो गया 1/1000, ठीक है, ये हो जाएगा, ओके। तो हमारे पास 8000 मीटर है, तो हम क्या लिखेंगे, 8000 मीटर है, चेंज करेंगे तो क्या होगा, यहाँ पे 1 की जगह यहाँ पे 1 था तो 1 हो गया, अब 8 है तो 8000 हो जाएगा, ठीक है, 8000 हो गया मीटर, डिवाइडेड बाय 1000, तभी ये तो मीटर में आएगा। अब इसको कैसे सॉल्व करें, ऐसे से काटेंगे तो 8000 देखिए अपॉन 1000 हो जाएगा, 0000 गेट कैंसिल, तो 8 आंसर आ जाएगा। देखिए तो यहाँ पर होगा 8, क्या निकालना था हमें, हायर यूनिट निकालनी थी, तो 8 किलोमीटर हो गया हमारा, मीटर में देखा मीटर लिखेंगे, जो भी दे रखा होगा मीटर से 8 किलोमीटर, 8000 मीटर से 8 किलोमीटर, ये हमारा आंसर हो गया। कभी भी हायर यूनिट में चेंज करेंगे तो हमेशा डिवाइड करेंगे, और कैसे डिवाइड करना है वो मैंने आपको बताया। अब 6298 ग्राम इंटू केजी में करेंगे, देखिए अब हमने जैसे बताया 1000
पहले मीटर था, 1000 ग्राम इज इक्वल टू होगा 1 kg, ग्राम में है तो सॉरी मैं कितना लगा दिया, सॉरी 1 kg हो गया। तो अब ये 6298 ग्राम हो जाएगा इज इक्वल टू 1/1, देखिए पहले 1 ग्राम का होता तो 1/1000 होता, तो ये होगा डिवाइड हो जाएगा, कैसे हो जाएगा 6298 डिवाइडेड बाय 1000 हो जाएगा, ठीक है डिवाइड हो जाएगा। ओके फिर ये क्या होगा, अब डिवाइड होगा तो 1 2 3 3 के बाद 6.298 आ जाएगा, तो ये भी आपका केजी में हो सकता है। और इसको और भी कैसे लिखते हैं, 6 पॉइंट से पहले सीखते हैं तो 6 kg और लिख सकते हैं 298 ग्राम, ये भी आंसर ठीक है और ये भी आंसर ठीक है। ठीक है जैसे मैंने आपको ये समझ में 1000 ग्राम्स का 1 kg, तो अब हमें क्या करना है 698 डिवाइडेड 1000 हो गए, इसी वजह से kg में आंसर आ गया। ओके आई होप आपको समझ में आ गया। अब 3000 ml इंटू 1 लीटर, तो अब हमें आप देखिए कैसे करेंगे, तो 1000 ml इज इक्वल टू 1 लीटर होता है, ठीक है ये आपको समझ में आया। तो 1 ml इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 डिवाइडेड बाय 1000, ठीक है लीटर हो जाएगा इसका आंसर 1 लीटर में। अब हमें निकालना है तो हमें क्या करना पड़ेगा कि 3000 लिखेंगे, 3000 ml निकालेंगे तो हम 3000 को डिवाइड करेंगे 1000 से, ठीक है तो ये हमारे क्या हो जाए, अब हमारे लीटर में आंसर आ जाएगा। तो कैसे आएगा, तो 3000 हम ऐसे ही लिखेंगे ना अपॉन 1000, ठीक है तो 00 गेट कैंसिल, तो हमारे पास क्या आ जाएगा 3 लीटर। देखिए ओ सॉरी यहाँ पे 00 कट कैंसिल, ऊपर 3 बचा नीचे 1 की कोई वैल्यू, तो 3 लीटर आंसर हो गया हमारा, ठीक है। अब क्या करेंगे, ये देखिए हमारा हो गया कंप्लीट। अब इसी तरह से हम करेंगे ऐड करेंगे, ऐड कैसे करेंगे, देखिए यहाँ पे 54 किलोमीटर 2 सेंटीमीटर 92 सेंटीमीटर और अगेन 76, इसको लिखना कैसे हमें, पहले तो हम ऊपर लिख लेंगे किलोमीटर मीटर एंड सेंटीमीटर यूनिट्स, तो अब हम क्या करेंगे सिर्फ यूनिट्स लिख, 54 हो गया 275 हो गया और 92 लिख हो गया, यहाँ पे 76 है तो यहाँ पे 76 लिख लेंगे, 809 और 65 एंड क्या है 5 किलोमीटर, तो यहाँ पे 578 मीटर और 9 सेंटीमीटर, बाकी जहाँ कुछ डिजिट नहीं वहाँ पे 0 ऐड कर लेंगे, ठीक है उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब यहाँ पे हम इसको क्या करेंगे ऐड करेंगे, ऐड कैसे करेंगे चलिए मैं आपको बताती हूँ, ये बहुत सिंपल है। देखिए 257 79 16 16 6 carry 1, तो 9 1 10 10 6 16 16 6 carry 1 इधर आ जाएगा, तो ये 1 हो गया 6 9 15 15 8 हो जाएगा 23 carry 2, 2 7 7 14 plus 2 16 6 carry 1 8 2 10 and 1 11 यहाँ और 1 यहाँ, ठीक है 6 4 10 11 and 5 16 6 carry 1 7 5 12 and 13। देखिए ऐड जैसे हम करते हैं वैसे ही होगा, बस क्या होगा आंसर में क्या लिखेंगे, यहाँ पे किलोमीटर लिख देंगे, यहाँ पे जो यूनिट्स लिखी मीटर और सेंटीमीटर, यही हमारा इसका आंसर होगा, ठीक है इसी तरह करना एडिशन चाहे वो जैसे भी हो, जो भी यूनिट्स हैं एज इट इज। अब आपको सब्ट्रैक्ट दिस फ्रॉम दिस, जो फ्रॉम के बाद आता है उसको पहले लिखते हैं। देखिए जैसे किलोमीटर था मैंने किलोमीटर लिख लिया और मीटर लिख लिया, देखिए हमें 48 है 48 लिखे, 3 2 1 है 3 2 1 लिख लिया, यहाँ 35 है यहाँ 35 लिख लिया, यहाँ 289 है यहाँ 289 लिख लिया, ठीक है सब्ट्रैक्शन का साइन लगाया लाइन ड्रॉ कर ली। देखिए बहुत जल्दी समझ जाएंगे हम लोग,
ठीक है, अब क्या करना है, हमें इसको माइनस करना है। जैसे माइनस करते हैं, जैसे नॉर्मल माइनस करते हैं वैसे माइनस करेंगे, तो वन से तो नाइन जाएगा नहीं, तो इसे काटेंगे, ये वन हो जाएगा, तो यहाँ तो वन था, ये इलेवन हो गया। ठीक है, इलेवन में से सॉरी नाइन जाएंगे तो हो जाएंगे टू, यहाँ वन है फिर क्या रह लेंगे, तो इलेवन हो जाएगा, तो ये हो जाएगा टू, तो इलेवन में से एट जाएंगे तो बचेंगे थ्री। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ नहीं, टू टू गया तो ज़ीरो ही हो गया। ठीक है, एट में से फाइव जाएंगे, क्या बचेंगे, थ्री। फोर में से थ्री जाएंगे, अब बचेंगे वन, तो इसका यूनिट है किलोमीटर, इसका यूनिट है मीटर, ये हमारा आंसर है। ठीक है, बहुत ही सिंपल था, इसी में आपको सब्ट्रैक्शन आ गया। अब मल्टीप्लाई करेंगे, देखिए थ्री फोर, थ्री ग्राम फोर डेसीग्राम टू सेंटीग्राम है, तो हम यूनिट ऊपर लिख देते हैं, ग्राम डेसीग्राम और सेंटीग्राम। ग्राम के नीचे थ्री है तो फिर थ्री लिख देंगे, डेसीग्राम के नीचे फोर है और सेंटीग्राम के नीचे टू, और मल्टीप्लाई करेंगे हम बाय फोर से, तो इंटू फोर। ओके, फोर टू ज़ा एट, फोर फोर ज़ा सिक्सटीन कैरी वन, फोर थ्री ज़ा ट्वेल्व एंड थर्टीन हो गया। ठीक है, वन थ्री सिक्स एंड एट, तो अब हम क्या करेंगे, या तो इसमें भी लिख सकते हैं, जैसे ग्राम डेसीग्राम और सेंटीग्राम, ये हमारा आंसर हो गया, या तो अलग से भी एक लाइन में लिख सकते हैं। ठीक है, ये मल्टीप्लाई हो गया, बहुत ही सिंपल से था, जैसे हम नॉर्मल करते हैं वैसा ही करना है, बस हमें यूनिट्स का ध्यान रखना है। डिवाइड एट एम डी एम सॉरी एट मीटर एट डेसी मीटर एंड टू सेंटीमीटर सेवन मिली मीटर बाई सेवन। अब हम क्या करेंगे, इनको डिवाइड करेंगे, और हम लिखेंगे कैसे, चलिए ये देखते हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम इसकी यूनिट्स लिख लेंगे यहाँ पे, जैसे कि अगर हम ये कर रहे हैं तो एट ये मीटर हो गया, एट डेसी मीटर हो गया, टू सेंटीमीटर हो गया और सेवन मिली मीटर हो गया। ठीक है, और हम कैसे किससे डिवाइड करना, सेवन से, और बाकी हम इधर कर लेंगे, तो सेवन मंजर सेवन हो जाएगा, माइनस होगा तो यहाँ पे वन आ जाएगा। ठीक है, अब एट यहाँ पे कैरी कर लेंगे, तो सेवन टू ज़ा फोर्टीन हो जाएगा, माइनस करेंगे तो एट में से फोर जाएगा तो फोर आएंगे। ठीक है, अब क्या आता है, यहाँ पे टू टू लिख देंगे, तो सेवन सिक्स ज़ा फोर्टी टू हो जाएगा, माइनस करेंगे कुछ नहीं आएगा, फिर सेवन आ जाएगा, तो सेवन मंजर सेवन हो जाएंगे, तो ज़ीरो हो जाएगा रिमाइंडर। अब हम इसका आंसर कैसे लिखेंगे, देखिए वन टू वन मीटर टू डेसीमीटर सिक्स सेंटीमीटर एंड वन मिली सॉरी जैसे वन टू सिक्स वन आया, वन मीटर टू डेसीमीटर सिक्स सेंटीमीटर वन मिली मीटर, इसका हमारा ये क्या हो गया यहाँ पे आंसर। ठीक है, यही हमारा आंसर हो गया। वर्ड प्रॉब्लम है वो भी बहुत इजी है, सिंपल है। देखिए, अ टैक्सी कवर्स 140 किलोमीटर 64 किलोमीटर एंड 26 किलोमीटर इन थ्री ट्रिप्स, हाउ मच डिस्टेंस डज इट कवर। अ टैक्सी कवर्स हाउ मेनी डिस्टेंस कवर्ड, टोटल डिस्टेंस कवर्ड यहाँ पे लिख देंगे, टोटल सॉल्यूशन में टोटल डिस्टेंस कवर्ड, तो कैसे होगा, इज इक्वल टू हो जाएगा 140 किलोमीटर प्लस 64 किलोमीटर प्लस 26 किलोमीटर। अब देखिए इसको हमें लिखना कैसे, हम यहाँ पे सॉल्व करके दिखाते हैं, 140 है फिर 64 है और 26 है, हम इसको यहाँ पे ऐड कर देंगे। ठीक है, सिंपल है, तो हमने क्या है, 64 10 0 कैरी 1, 64 10 11 12 13 3 कैरी 1 देन 230 हो गया। चलिए देखिए, हो गया ना, तो 230 ऐड करने पे तो हमारा क्या होगा इसका आंसर, हम इसको लिखेंगे कैसे, आंसर तो ये है, तो अब हम लिखेंगे, अभी किलोमीटर में ही आएगा, हाउ मच डिस्टेंस डज इट कवर, तो हम क्वेश्चन में से ही आंसर, हाउ मच के जगह लिखेंगे आंसर में, यहाँ पे 230 किलोमीटर डिस्टेंस कवर्ड। ठीक है, क्योंकि समझ में आ गया कितना पूछा गया, तो सबको एडिशन ही करना, 230 किलोमीटर डिस्टेंस कवर्ड, यही इसका आंसर हो गया, बहुत ही सिंपल था, जो हमारे यूनिट था बस हमें वही ध्यान रखना था। अब हमारा क्या आता है, एक और वर्ड प्रॉब्लम है, जो कि है हमारा लीटर में, वॉल्यूम हो गया। अब देखिए कैसे हो गया, अ वाटर बॉटल कंटेन्स 1 लीटर 800 ml ऑफ वाटर, फाइंड द कैपेसिटी ऑफ 3 सच बॉटल। देखिए एक
एक बॉटल के बारे में बताया कि इतने लीटर पानी लेती है, तो थ्री ऐसी बॉटल्स कितने पानी लेंगे तो क्या होगा, एक से एक बताएगा ज़्यादा पूछेगा तो होगा मल्टीप्लाई, और वो कैसे होगा ये मैं आपको बताती हूँ। तो वन लीटर वन बॉटल कंटेन्स, यहाँ पे ऐसे लिखेंगे वन बॉटल कंटेन्स इज इक्वल टू वन लीटर 800 ml, ठीक है वाटर। तो थ्री बॉटल क्या करेंगे, सेम चीज़ कंटेन्स करेंगे इज इक्वल टू वन लीटर 800 ml इंटू थ्री हो गया। अब हम ये कैसे करेंगे, तो हम यहाँ पे इसको सॉल्व करके दिखाते हैं। तो वन ये लीटर पहले लिख लेते हैं और यहाँ पे ml लिख लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे वन क्या कर लिख लेते हैं और ml में 800 ml लिख लेते हैं, ठीक है। हम क्या करेंगे, थ्री से मल्टीप्लाई कर लेंगे, ऐसे करेंगे मल्टीप्लाई। ये मैंने दिखा थ्री, देखिए थ्री जीरो ज़ार ज़ीरोज़ होंगे, थ्री जीरो थ्री एट ज़ार 24 होगा, तो फोर यहाँ आ जाएगा, टू यहाँ पे कैरी हो जाएगा, ठीक है। तो थ्री वन ज़ार थ्री प्लस टू हो जाएगा फाइव, तो ये 5 लीटर हो जाएगा, 400 ml हो जाएगा। तो हमारे आंसर में हम क्या लिखेंगे, देखिए इसी में से फाइंड द कैपेसिटी ऑफ थ्री सच बॉटल, तो या ऐसे भी लिख सकते हैं द कैपेसिटी ऑफ थ्री बॉटल्स इज 5 लीटर 400 ml, यही इसका आंसर है, ठीक है, सिंपल सा था। अब हम क्या करना है, हमें बताना है हाउ मेनी पैस स्मॉल पैकेट्स ऑफ 300 ग्राम स्वीट्स कैन बी मेड आउट ऑफ 6 kg। तो ये पूछा गया है 300 ग्राम के ऐसे पैकेट 6 kg में कैसे, मतलब कितने पैकेट्स बनेंगे। देखिए सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, यूनिट सेम करेंगे, ग्राम है या केजी है, पहले तो ये तो ग्राम को केजी केजी में, तो हम इसको सिंपल से ग्राम में चेंज कर लेंगे। फिर हमें क्या पूछा गया, कैसे अगर हर पैकेट 300 ग्राम है तो कितने बनेंगे, तो ये डिवाइड का यहाँ पे डिवीज़न होगा, कैसे होगा। तो पहले हम कन्वर्ट करेंगे, 1 kg इज इक्वल टू होता है 1000 ग्राम, ठीक है। तो 6 kg इज इक्वल टू हो जाएगा 6000 ग्राम। तो वन पैकेट हो जाएगा 300 ग्राम का, ठीक है, जैसे बताएगा। अब 6000 पैकेट, वन पैकेट की ये है, तो 300 ग्राम का एक पैकेट है। तो इसी तरह हम पता करेंगे कि 600 ग्राम में कितने पैकेट बनेंगे। तो हम क्या करेंगे, तो हाउ मेनी पैकेट्स कैन बी मेड आउट, तो हम क्या करेंगे डिवाइड कर देंगे, सॉरी यहाँ पर लिख दूँगा, ठीक है, टोटल पैकेट्स मेड, ठीक है। तो हमारे पास क्या है, 6000 ग्राम अपॉन 300 हो जाएगा, ठीक है, यही हो जाएगा, क्योंकि 6000 ग्राम है, 6 अपॉन 3, तो 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, 3 1 3, अब देखिए यहाँ पे 60 अपॉन 3 आ जाएगा, ठीक है, 3 1 3, 3 2 6 एंड 0, तो यहाँ पे 20 आया। तो हम इसको आंसर कैसे लिखेंगे, हम अब आंसर लिखेंगे 20 स्मॉल पैकेट्स मेड आउट ऑफ 6 kg, ठीक है, यही इसका आंसर होगा। बहुत ही सिंपल था, क्योंकि हमें पूछा गया है कम चीज़ दी है, ज़्यादा के बारे में पूछा गया है कि उसमें और कैसे होगा, तो हमें डिवाइड करना पड़ेगा, और एक पूछा गया उससे ज़्यादा के बारे में पूछेगा तो उसे मल्टीप्लाई करने कर दिया। देखिए ये बहुत ही सिंपल था, आई होप आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी, अगर अच्छी लगी होगी तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, और फिर मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।